लोगों को ये लगने लग जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स या चैट विद हर्षवर्धन जैन है। सर, आज का जो मैंने कन्वर्सेशन का टॉपिक चुना है वो थोड़ा हटके है और वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ऐसा लगता है कि उसमें आपने PhD की हुई है। अगर अज्ञात को जानना है तो ज्ञात से होते हुए पहुंचते हैं। शब्द बीज होते हैं, शब्दों में ताकत होती है, ये उग जाते हैं तो सोच समझ के बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। और जो चीज दिखती नहीं है उस पे यकीन वो ही बिरले कर पाते हैं जिनको कुछ और पावर्स के ऊपर यकीन होता है। जो हम विचार करते हैं, जो भीतर विचार पैदा होते हैं, वो ही जीवन का रिफ्लेक्शन बन के अमीरी के रूप में आ सकता है, गरीबी के रूप में आ सकता है। इंस्टेंट नहीं होने की वजह से विश्व में इतनी भिन्नताएं हैं। वचन से नहीं बनता, मन में पैदा होने वाले विचारों से ही बन जाता है। जो विचारों की सत्ता भीतर है वो परमाणुओं के रूप में है, ये एक दिन परिणाम लाएंगे। मेरे लिए ये जिज्ञासा का विषय रहता है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैं नहीं समझ पाया था जितने अच्छे तरीके से आपने आज समझाया। अंदर से कनेक्शन नहीं है, बाहर रिजल्ट नहीं आएगा। जब अच्छा वक्त चलता है तो इतराने में बिजी रहता है, और जब बुरा वक्त चलता है तो घबराने में व्यस्त रहता है। रूट्स को सही रखा होता तो फ्रूट्स में कभी दिक्कत नहीं। विश्व का कोई भी डॉक्टर आपके घुटनों का इलाज नहीं कर पाएगा अगर खड़े होके पानी पी रहे हैं तो। पूरे 24 घंटे अगर हम प्याज खाएंगे तो डकार इलायची की कभी नहीं है। पॉजिटिविटी का पता बुरे वक्त पे चलता है। जब चेक बन रहे हैं तो कोई के लिए कंपनी अच्छी, लोग अच्छे, अपलाइन अच्छे, पता तब चलता है जब चेक नहीं बन रहे हो। असली तैराक वो है जो नदी के विपरीत तैर रहे, क्योंकि अज्ञानी होना तो इतना नुकसानदायक नहीं है जितना अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होना है। लेकिन इमोशनल डाइट जाती है इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से। आज अपना ये वीडियो है, जितने लोग देखेंगे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। कितना भी विकट और परिस्थिति और घनघोर काल आ जाए, घबराना नहीं। इंडस्ट्री के ऊपर जब आ जाए थे 2012 में, तो जिस दिन में मेरे को अरेस्ट किया 23 जनवरी को, फिर मैं जेल गया 25 जनवरी को, तो 24 जनवरी को हम मेन फ्रंट पेज पे थे। जयपुर के सारे अखबार खुद कह रहे थे। आज मैं कोरोना से नहीं घबरा रहा। ऐसे एक नेगेटिव ऊर्जा को कंप्लीट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए 2800 गुना पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। इन सब के बीच में जो कीचड़ में कमल खिला जाए उसे लोग बिरला कहते हैं। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।